नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। SCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात करते हैं, SCL टेक की बात करते हैं। दोस्तों 12 अक्टूबर 2023 को कंपनी के नतीजे आने वाले थे, फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाला था और आउटकम आ गया है। तो फाइनेंशियल रिजल्ट को चेक करते हैं और साथ में कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया दोस्तों। तो डिविडेंड का जो अपडेट है उसे चेक करते हैं और फाइनेंशियल नतीजों को चेक करते हैं। आपके पास शेयर है तो 1200 के आसपास SCL टेक का स्टॉक है 12 अक्टूबर 2023 को। तो सबसे पहले जो डिविडेंड का अपडेट है उसे देख लेते हैं। देखिए, कंपनी ने इंट्रियम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, 12 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। और इसका जो रिकॉर्ड डेट होगा दोस्तों, रिकॉर्ड डेट के अनुसार ही हम लोग एलिजिबल होते हैं, 20 अक्टूबर 2023 है। इसी डेट के अनुसार हम लोगों को डिविडेंड मिलेगा। इस दिन डीमैट में हमारे शेयर्स होने चाहिए, SCL टेक के एक भी शेयर होगा तो 12 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। और इसका जो पेमेंट होगा, पेमेंट डेट है, पे आउट डेट है इंट्रियम डिविडेंड का 31 अक्टूबर 2023। तो पेमेंट भी जल्दी आ जाएगा, 31 अक्टूबर 2023 तक डिविडेंड का पेमेंट भी आ जाएगा दोस्तों। तो दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है 12 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। रिकॉर्ड डेट ध्यान में रखिएगा, 20 अक्टूबर 2023। तो जिनके पास SCL टेक है तो डिविडेंड मिलने वाला है 12 रुपये का दोस्तों। इंट्रियम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने फाइनेंशियल नतीजों के साथ। आप सीधे से नंबर्स की बात कर लेते हैं SCL टेक के। तो ये दोस्तों नंबर्स हैं SCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड के, ये नंबर्स हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं नंबर्स को और नतीजों को चेक करते हैं। देखिए, 30 सितंबर 2023 के क्वार्टर में ये कॉलम है अब की बार का। तो इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू है दोस्तों, देखिए ये रेवेन्यू 26672 करोड़ का है, 26296 करोड़ का 30 जून 2023 के क्वार्टर में था। एक साल पहले 24686 करोड़ का रेवेन्यू था। तो ये सालाना 24686 करोड़ से बढ़कर 26672 करोड़ का रेवेन्यू आया है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़कर आया है दोस्तों। टोटल इनकम की बात करते हैं तो देखिए, SCL टेक्नोलॉजी का जो टोटल इनकम का अपडेट आया है 27037 करोड़ का है और ये पिछले साल के अनुसार भी बढ़ा है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़कर आया टोटल इनकम। आगे की तरफ चलते हैं और एक्सपेंसेस के बाद जो प्रॉफिट का अपडेट आया है, मुनाफे का अपडेट आया है। देखिए, प्रॉफिट फॉर द पीरियड मुनाफा 3833 करोड़ का है, 3531 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, एक साल पहले 3487 करोड़ का एक साल पहले था। तो मुनाफा जो SCL टेक्नोलॉजी का है 3833 करोड़ का मुनाफा हो गया दोस्तों। अब अर्निंग पर शेयर भी बढ़ गया, देखिए 14.15 का अर्निंग पर शेयर है, EPS है 13.05 का, इससे पहले क्वार्टर में था 12.89 का, एक साल पहले था। तो नतीजे अच्छे हैं, देखिए रेवेन्यू भी बढ़कर आया है, टोटल इनकम 27037 करोड़ का है और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है 3833 करोड़ का है दोस्तों, और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है। तो दूसरी तिमाही में जो नतीजे पेश किए हैं SCL टेक्नोलॉजी ने, अच्छे नतीजे पेश किए हैं जिसमें प्रॉफिट 3833 करोड़ का है। तो ये दूसरी तिमाही Q2 FY24 के नतीजे हैं दोस्तों SCL टेक्नोलॉजी के। अब बात कर लेते हैं इसके शेयर प्राइस के, 1223 में स्टॉक प्राइस है 12 अक्टूबर 2023 को। तो निवेशकों को होल्ड करना चाहिए SCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड को, नतीजे अच्छे हैं स्टॉक में। अगर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आती है क्योंकि नतीजों से पहले थोड़ा बहुत बढ़ा है स्टॉक, तो डिविडेंड लेना चाहिए। रिकॉर्ड डेट ध्यान में रखिएगा, 12 रुपये का डिविडेंड दिया है। जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो, जो रेजिस्टेंस रहेगा 1311 का रहेगा, इसको ब्रेक करता है तो 1400 की तरफ जाता हुआ दिखेगा, और नीचे की तरफ स्टॉक दिखता है तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। तो ये SCL टेक्नोलॉजी का दूसरी तिमाही के नतीजों का अपडेट था। तो ये अपडेट था जो आप लोगों के साथ शेयर किया। इस तरह के अपडेट के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।